एक खूबसूरत नज़्म जो एक बेबस और मजबूर औरत अपने शौहर से कहना चाहती होगी कुछ अपने जज्बात, कुछ एहसासात, और वो नहीं कह सकती होगी और बिलाहर वो अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठती है या अपने अपने आप को इस दुनिया से अगले जहान में मुंतकिल करना चाहती है और फिर वो दरियाए नीलम में ख़ुद को ख़त्म कर देती है एक पुल से छलांग लगा कर। बड़े अफसोस की बात है, ये हमारा माशरती अलमिया है जिसको शायद मर्द हजरात नहीं समझ सकते। तो बड़ी दुख भरी कहानी है ये, और उस औरत के नाम ये नज़्म मैंने उस औरत के नाम से मैंने लिखी है। एक याद रहेगी मेरी डायरी के एक पेज हमेशा से उस औरत के लिए रहेगा। तो आज मैं आप लोगों से भी इसको शेयर करती हूँ। वो अपने शोर से शायद कुछ इस तरीके से कहना चाहती होगी, ए जाने तमन्ना ए जाने वफा, बेबस हूँ मजबूर हूँ ज़ख्मों से मैं चूर हूँ, बेबस हूँ मजबूर हूँ ज़ख्मों से मैं चूर हूँ, मेरे प्यार को एक नाम दे मेरे जिस्म जां को करार दे, मेरे प्यार को एक नाम दे मेरे जिस्म जां को करार दे, मेरी इल्तिजा है मुझे संभाल ले, मेरी इल्तिजा है मुझे संभाल ले, मेरा हाथ थाम मेरे साथ चल मेरे साथ दे, मेरा हाथ थाम मेरा साथ चल मेरे साथ दे, लग्जिशों को दिल से निकाल कर मुझे उलझनों से निकाल दे, मेरे जिस्म जां को करार दे मेरी इल्तिजा है मुझे संभाल ले, मेरी इल्तिजा है मुझे संभाल ले। खैर, फिर शायद वो जब एक पुल पे खड़ी हुई होगी दरियाए नीलम को देखते हुए, शायद उसके जहन में कुछ ऐसे ख्यालात आए हों। मे भी मुझे ऐसे लगता है कि शायद उसने कुछ ऐसे दरियाए नीलम से बातें की होंगी। अश्क भरी आँखों में हिजर की तारीख रातों में अपनी उम्र एक आस में गुजार दी, अश्क भरी आँखों में हिजर की तारीख रातों में अपनी उम्र एक आस में गुजार दी, अब ए नीलम तेरी मोजे मुस्तर पे मैं अपना जिस्म जाँ वार दूँ, तेरे गंगा अश्नाम लूँ तू ही मेरे जिस्म जाँ को करार दे, मेरी इल्तिजा है बस अब तू ही मुझे संभाल ले, तू ही मुझे संभाल ले। अफसोस सद अफसोस।